Hello everyone. I hope I am audible. So today there is session on Ask Me Anything. Clear? So in this session I have planned to clear your all doubts regarding to revision. Revision is one of the very important factor for the success in your competitive examination. Clear? So first you need to understand the importance of revision. There are two types of exams. India mein do type ke exams hote hain. First exam is in which syllabus is very vast. Bahut jyada syllabus hota hai. Clear? और सेकेंड टाइप का एग्जाम होता है जिसमें कि सिलेबस ज्यादा नहीं होता है बट सिलेबस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल. सो जब सिलेबस अगर कॉन्सेप्चुअल है देन रिवीजन का इंपॉर्टेंस कम होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, फोकस. क्लियर? लेकिन जब सिलेबस वास्ट होता है देन इन दैट केस रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो कौन सा एग्जाम किस कैटेगरी में जाता है दैट यू नीड टू नो फर्स्ट. जैसे आईआईटी जेई जो प्लस टू में हम लोग देते थे, आईआईटी जेई का एग्जाम, फिर कैट का एग्जाम, ये सब एग्जाम में सिलेबस कम होता है बट जो भी सिलेबस होता है दैट इज वेरी डीप रूटेड. क्लियर? उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं. जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आते हैं, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी में भी डीप रूटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट एट द सेम टाइम यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है. क्लियर? तो जब भी सिलेबस वास्ट होता है तो उसमें केवल कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से काम नहीं चलेगा. इतना ज्यादा सिलेबस को अपने माइंड में रखने के लिए, इजंट इट, इतना सिलेबस को अपने माइंड में रखने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास और वो है रिवीजन. क्लियर? तो आज की इस सेशन में आपको रिवीजन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारा डाउट्स कोशिश कीजिए कि क्लियर कर लीजिए सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दें एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल मेंटली टू फोकस ऑन रिवीजन. क्योंकि जब तक आप मेंटली फ्री नहीं होइएगा, कंफर्टेबल नहीं होइएगा, तब तक आप रिवीजन में अपना एनर्जी नहीं दे पाइएगा. क्लियर? किसी भी चीज़ में एनर्जी देने के लिए मेंटली उस चीज़ से कन्विंस होना सबसे पहला जरूरी है, ज़रूरत होता है. क्लियर? तो आपको अपने आप को मेंटली पहले कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको कैसे इसमें प्रोसीड करना है. इज इट क्लियर? नाउ सो आप लोग रिवीजन से रिलेटेड जो भी डाउट पूछिएगा दैट आई विल क्लियर टुडे. ठीक है? और मैं तो अपने तरफ से जो रिवीजन्स के पॉइंट्स हैं वो तो बताऊंगा ही, साथ में आप लोगों को जो भी दिक्कत है चैट बॉक्स में पूछते जाइए, उसको भी मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा और सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा. क्लियर? एग्जाम निकालने के लिए केवल पढ़ना इज नॉट सफिशियंट. मेंटली क्लियर रहना कि क्या चीज करना है और क्या नहीं करना है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब तक आप मेंटली क्लियर नहीं होते किसी भी चीज पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं. अगर आप डायलमा में हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, हम नया चीज पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है या नहीं, हम बुक से पढ़ना चाहिए या नहीं, किस बुक से क्वेश्चंस बनाने चाहिए, जब तक ये सब चीज में क्लैरिटी नहीं होगा ना तब तक आप फोकस नहीं रह पाइएगा, आप इधर उधर डेविएट होइएगा. इजंट इट? हम लोग भी अपने टाइम में डेविएट होते थे, बहुत परेशान रहते थे कि ये बुक पढ़ें, इस टीचर से पढ़ें, यहाँ से ये पढ़ लें, यहाँ से ये कर लें, और परेशान होते रहते थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोई एग्जाम में सक्सेस मिला तो फिर लगा नहीं ये चीज़ करना बेटर है. और एज आई रिमेम्बर कि जब हम लोग एकदम इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का अच्छे रैंक लाने के कंडीशन में आ गए थे, उस समय हम जाते जाते हम लोग एकदम क्लियर थे कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है और ये चीज़ पढ़ना है. उस समय जाते जाते हम लोग एकदम क्लियर हो गए थे कि ये चीज़ नहीं पढ़ना, ये चीज़ पढ़ना है. क्लियर? तो आप लोगों को भी उस लेवल पे जब तक नहीं पहुंचेगा एग्जाम्स में रैंक नहीं आएगा. सो एग्जाम में रैंक लाने के लिए ये सब चीजें करनी होती है. इज इट क्लियर? सो कुछ बच्चे
पूछ रहे हैं enough time left for gate 2020-22 enough time. अभी आप लोगों के पास टाइम का कोई कमी नहीं है. 6 महीने बहुत होता है गेट एग्जाम निकालने के लिए. 6 months is more than enough. लेकिन 6 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा. कम से कम 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी अपना टाइम निकालना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम वीडियोस. क्लियर? जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसके अलावा 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा. क्लियर? और एक चीज हमेशा याद रखिए कि वही चीज पढ़िए जो प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है. आप लोगों का सबसे जो गंदा आदत होता है ना वो इधर उधर से क्वेश्चन ला के सॉल्व करने का और सोचते हैं कि उससे एग्जाम निकल जाता है. किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना मेन गाइड बनाइए. वही आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. इजंट इट? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च कर लीजिए कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से पूछा है, क्यों पूछा, कैसे पूछा. सारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार बनाइएगा आप उतनी बार नई नई चीजें सीखिएगा. क्लियर? सो यू हैव टू डू दैट. वो करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है. गेट एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें विद फुल टाइम जॉब? ठीक है, गेट प्रिपरेशन कैसे करें विद फुल टाइम जॉब? इसका एक ही आंसर है. अगर आप जॉब में हैं और आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा लेकिन अभी मैं बता देता हूं. आप अगर जॉब कर रहे हैं इजंट इट और आपको एग्जाम का तैयारी करना है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास. बस आपके लाइफ में दो ही चीज होनी चाहिए, जॉब और एग्जाम. तीसरा कुछ भी नहीं, ना फैमिली ना कुछ, कुछ भी नहीं. तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा. आप सोचिएगा इस ड्यूरेशन में शादी भी अटेंड कर ले, इस ड्यूरेशन में दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खा भी ले, क्लियर, तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा. आप फुल टाइम जॉब में और जॉब में भी अपनी कंपनी में जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां हमेशा बैकफुट पे रहिए. कभी भी किसी काम में फ्रंट में मत रहिए. जो काम आपको बोला जाए उतना बस कर दीजिए. अननेसेसरी लंच टाइम में सबके साथ गप कर रहे हैं ये सब मत कीजिए. और शॉर्ट नोट्स बना के रखिए सो दैट कि आप ऑफिस में आते जाते या ऑफिस के लंच टाइम में इधर उधर थोड़ा बहुत रिवाइज कर सके. यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं. और जॉब में 6 मंथ में जितना आपका छुट्टी है वो छुट्टी को यूटिलाइज करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए. यही तरीका है. क्लियर? आज के डेट में ऑनलाइन लेक्चर्स है तो ऑफिस से आते जाते उस पीरियड में वीडियोस देख लीजिए ईयरफोन लगा के. दिस इज द वे टू यूटिलाइज योर टाइम. तो अगर आप लाइफ में जॉब और एग्जाम के अलावा सब कुछ को हटा दिए तो निकल जाएगा आपका जॉब. तब आपका एग्जाम जॉब के साथ भी निकल जाएगा. क्लियर? क्योंकि मैंने किया है इसलिए मुझे पता है. मैं 6 महीने तक डीएलएफ में जॉब कर रहा था और उसी बीच में मैंने गेट का प्रिपरेशन करके गेट में 17 रैंक लाया था. तो मुझे पता है कि कैसे मैं टाइम को यूटिलाइज किया था. सब कुछ डिलीट कर दिया था उस 6 महीने में. हम किसी से नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे. क्लियर? कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई भी आता था तो पूरा अवॉइड करते थे कि किसी के साथ भी टाइम वेस्टेज हो. सीधा ऑफिस से आए, खाना खाए, अपना पढ़ने बैठ गए, सो गए. सोना इज ओके क्योंकि सोने से आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा, स्ट्रेस डाउन होगा. क्लियर? तो वो सब आप कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं. तभी आपको सक्सेस मिलेगा. उज्जवल त्यागी सर, 12 आवर की ड्यूटी है. 12 आवर की ड्यूटी है, टफ है. देखिए जहां भी 12 आवर की ड्यूटी होती है ना वो बहुत हेक्टिक नहीं होती है. उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है बट आप वहां पे टाइम निकाल सकते हैं. अगर 12 आवर की ड्यूटी होगी तो साइट की होगी. क्लियर? साइट पे छुप के छिपा के आपको शॉर्ट नोट्स अपने पास रखना पड़ेगा, मोबाइल में पीडीएफ रखना पड़ेगा. दिन भर जो मोबाइल में चैट करते हैं उसके जगह मोबाइल में पीडीएफ से पढ़ाई कीजिए. यही सब वे है और कोई वे नहीं है. ठीक है, जहां पे चाह है वहां पे राह. आप पढ़ना शुरू कीजिए, निकल जाएगा. आपको खुद पता चलने लगेगा कि कैसे कैसे टाइम निकाला जाता है. और लोग निकालते हैं ऐसा नहीं है. ठीक है, आप यही सोचिए कि
लोगों की फैमिली हो जाती है तो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्लियर? मैरी कॉम को जानते हैं ना, मैरी कॉम को? ठीक है, बॉक्सिंग। सो दो बच्चों के साथ भी कितना सक्सेस गेम है। क्लियर? सो किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, इजंट इट? तो सब कुछ पॉसिबल है, आपको करना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, मैं 2016 पास आउट हूं, सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, क्या करूं? सो 2016 पास आउट हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करें? देखिए, अगर आपका 5 साल 6 साल में सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, इट मींस कि आप अभी तक थ्रेशोल्ड पार नहीं किए। आप हर साल तैयारी करते हैं, लेकिन बस तैयारी करते हैं, आप फोकस्ड वे में आप तैयारी नहीं किए। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो आपका कभी भी थ्रेशोल्ड आप नहीं क्रॉस कर पाइएगा। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम में नहीं हो रहा है देन यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो वन एल्स। केवल और केवल आप रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर? जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ जाता है ना, उस दिन सक्सेस आपके पास होगा। क्लियर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस लेना पड़ता है। क्लियर? हर कोई लेता है। केवल और केवल आप रिस्पॉन्सिबल है ना, तो आपका मम्मी पापा रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल है, ना टीचर रिस्पॉन्सिबल है, ना आपका फाइनेंशियल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, ना आपका बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द ओनली रिस्पॉन्सिबल इज यू। तब देखिएगा आपको हर चीज का रास्ता पता चलेगा कि क्या करना है नहीं करना। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर देखिए अंदर से कितना आपको रास्ता पता चलेगा। जब तक आप चीजें दूसरों पे डालिएगा कि ये किए वो किए तब भी नहीं हुआ तब भी नहीं हुआ, आपको कोई रास्ता नहीं समझ आया। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वे। ठीक है, आपको ही अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, आपको ही अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। क्लियर? हम लोग थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो आप ही को करना है। क्लियर? और आप जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिएगा ना, आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपको क्या करना है। आशु वर्मा, देखिए YouTube पे हम तो सोचे थे कि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस ही काफी हद तक पढ़ाएं, बट समहाउ ये हो नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली। क्लियर? उसलिए उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। बट हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का बहुत सारा पोर्शन पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ा देंगे जैसे ILD बाई म्यूलर बेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, Part 1, Part 2, Part 3, 3 क्लास में खत्म। क्लियर? दिस इज द वे, ILD बाई म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, Part 1, Part 2, Part 3, तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद स्वे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद स्वे आराम से पढ़ाएंगे, 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह से करके कंप्लीट करेंगे। शुरू में हम स्ट्रक्चर एनालिसिस उठाए थे तो ये करीब 4-5 महीने तक जा रहा था, और उसमें बीच में शेड्यूल ब्रेक होता था तो वो मजा नहीं आ रहा था। सो उसको ब्रेक करने के लिए ये किए हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे, कंटेंट देंगे। ये आस्क मी एनीथिंग, बहुत ज्यादा हम ये सब नहीं करने वाले, ज्यादा चीज हम कंटेंट के वे फॉर्म में ही देंगे, बट वो वैसे वैसे देंगे टॉपिक वाइज। जैसे एक बार उठा लेंगे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, और 2-3 क्लास में काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कंप्लीट, उसके बाद किसी भी स्ट्रक्चर का काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी यू आर फ्री टू सॉल्व। क्लियर? तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्या करें? ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है क्या करें? सो इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्यों नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व? आपको लगता है कि आप थ्योरी समझ गए, लेकिन आप एक्चुअल में थ्योरी नहीं समझे, इसीलिए क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है। समझ में आया? सो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने का रीजन होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हैं और क्वेश्चन पे चले जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। क्लियर? अगर आपको सही मायने में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आप खुद से अपने आप को चेक कर सकते हैं। एक अच्छी बुक उठाइए, अच्छी बुक, बहुत ही अच्छी बुक, कोई सी भी अच्छी बुक उठाइए, और उसको उसी सीक्वेंस में पढ़िए जिस सीक्वेंस में वो दिया हुआ है। जंप नहीं करना है।
जंप नहीं करना है, उसका कोई भी चैप्टर उठाइए और उसी सीक्वेंस में पढ़िए और जिस सीक्वेंस में उसका क्वेश्चन दिया हुआ है बनाना शुरू कीजिए, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर? आप थोड़ा सा पढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन बनाने लगते हैं गेट और आईईएस का और आपको लगता है कि हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, क्लियर? तो ये सब सही तरीका नहीं है। अगर ये सब कीजिएगा देन ऑलवेज कंफ्यूज रहिएगा, इससे एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है और एनर्जी लेवल डाउन होने के बाद फिर कोई फायदा नहीं होता है। जियोटेक इंजीनियरिंग एमटेक के लिए कुछ बताइए सर। देखिए सबसे ज्यादा एमटेक में वैल्यूएबल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मिलता है देन दैट इज बेस्ट। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं मिलता है देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये तीन आता है। क्लियर? और ये तीन भी जब नहीं मिलता है तभी कोई तीसरा ब्रांच लीजिए। क्लियर? और तीसरा ब्रांच लेने पे भी कोई फायदा नहीं होता है, वो केवल आपके लिए डिग्री हो जाता है इंडिया में। क्लियर? कोई उसको वैल्यू नहीं देता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से एमटेक का सबसे ज्यादा वैल्यू, अगर आपके पास एमटेक है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में और आईआईटी से है देन इट इज वेरी वैल्यूएबल। कहीं भी आप बोलिएगा, प्राउड से बोलिएगा, अच्छा आपको लगेगा। क्लियर? सो पूरा कोशिश कीजिए कि एमटेक स्ट्रक्चर से करने का, सबसे ज्यादा वैल्यू उसी का है। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो ऑप्शन भी ठीक है, वो भी आपको एड ऑन होता है उससे। लेकिन उसके बाद जैसे वाटर रिसोर्सेज वगैरह से एमटेक कोई आपको रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। आप कहीं बोलिएगा भी कि हम वाटर रिसोर्स से एमटेक किए हुए हैं तो कहेगा कि ठीक है, एमटेक रहो या ना रहो हमको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वाटर रिसोर्स का जो चीज है उतना तो कोई बीटेक वाला भी काम कर लेता है। क्लियर? दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है? तो इसीलिए उन सब सब्जेक्ट से एमटेक जो है ना लोग बहुत रिकग्नाइज नहीं करते। ये हम प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं आपको। थ्योरेटिकली तो बोलने का बोला जा सकता है कि आप हर सब्जेक्ट से एमटेक कीजिए, हर का इक्वल वैल्यू, लेकिन नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट लेके कैसे चलें? निखिल सैनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतने सारे सब्जेक्ट लेके कैसे चलें? देखिए रिवीजन इसी का नाम है कि इतने सारे सब्जेक्ट कैसे लेके चलते हैं। रिवीजन के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन इज बोरिंग। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि रिवीजन बोरिंग है, रिवीजन इंटरेस्टिंग नहीं होता है। कोई लाख बोल दे, मोटिवेट कर दे कि रिवीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वो नहीं होता है, रियली नहीं होता है। रिवीजन इज नेवर इंटरेस्टिंग। ठीक है? जैसे हेल्दी फूड आर नेवर टेस्टी, कभी टेस्टी नहीं होता है। हमेशा छोले भटूरे अच्छा लगता है, पाव भाजी हमेशा अच्छा लगता है। क्लियर? पिज्जा हमेशा अच्छा लगता है, दिस इज फैक्ट। ठीक है? हेल्दी फूड कभी भी उतना टेस्टी नहीं होता जितना अनहेल्दी फूड होता है। ठीक है? So, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अनहेल्दी फूड से काम नहीं चलेगा ना, हेल्दी फूड तो खाना पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको नीरज चोपड़ा बनना है तो हेल्दी फूड खाना पड़ेगा ना, इजंट इट? ठीक है? सो हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एग्जाम निकालना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो रिवीजन जब करना ही है, मस्ट है, तो रिवीजन के लिए टाइम डेडिकेट कीजिए। डेडिकेट का मतलब कि हम 3 घंटे रिवीजन ही करेंगे, कुछ और करेंगे ही नहीं। 3 घंटे रिवीजन ही करेंगे, कुछ और करेंगे ही नहीं। तो आप जब पहला दिन रिवीजन करने बैठिएगा ना तो आपको लगेगा यार मन नहीं लग रहा, चलो कोई नया चीज पढ़ लेते हैं, बस यही गलती हो जाता है स्टूडेंट्स, यही नहीं करना है। समझ में आया? 3 घंटे जब आप बैठिएगा ना तो आप 1 घंटे रिवीजन कीजिए, उसके बाद बोर होने लगिएगा, तो फिर लगेगा कि उस टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा कि नया चीज पढ़ देते, बस यही नहीं करना है। अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो आपका लाइफ बन जाएगा, आप बोर हो जाइए फिर भी बैठे रहिए, टाइम बर्बाद कर लीजिए। 10 दिन आप टाइम बर्बाद कीजिएगा ना, उसके बाद 11वां दिन से आप 3 घंटे का 3 घंटे रिवीजन कर पाइएगा। और जो लोग ये 10 दिन में अपने आप को डेविएट कर लेता है ना, वही 3 घंटे रिवीजन कभी नहीं कर पाता है। समझ में आया? जिम जाने में शुरू का ही 1 महीने मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद जब आपका फिजिक अच्छा होने लगता है ना तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली जब लोग आपको बोलने लगते हैं कि अरे अच्छा दिखने लगे हो, स्ट्रेट चलने लगे हो,
फिजिक में तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है, तो लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर लोग खुद गंदा खाना खाना छोड़ देते हैं और डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो शुरू का एक मंथ ही जो है ना दिक्कत है। सिमिलरली रिवीजन में भी यही है, शुरू के 3 महीने तक आपको टाइम डेडिकेट करना है। अब 3 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन का साइकिल बनाना पड़ेगा। 15 दिन से ज़्यादा बड़ा साइकिल नहीं होना चाहिए, 15 डेज में एक बार, 15 डेज में एक बार आप जितना सब्जेक्ट पढ़े वो सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि एक एक क्वेश्चन सारा बना लिया, ठीक है, हर कॉपी का नोट्स भी अगर उलट लीजिएगा ना, उसका फॉर्मूला ये भी देख लीजिएगा, देन आपको लगेगा कि यू आर इन टच विद दिस सब्जेक्ट, क्लियर, आप ये सब्जेक्ट छूटा नहीं है, दिस इज ऑल्सो रिवीजन। मेरा साइकिल 7 डेज का था, हम जब तैयारी करते थे तो 7 डेज का मेरा साइकिल था। हम 7 दिन में 3-3 घंटे डेली सुबह 6 से 9 पढ़ते थे, रिवीजन करते थे, तो कितना हो गया, 7 × 3 21 आवर्स। सो 21 आवर्स 13-14 सब्जेक्ट था, ठीक है, एक सब्जेक्ट 2 घंटे करीब पढ़ जाता था, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे में हम उसका सारा नोट्स जो है ना उलट लेते थे, तो उससे हमको पता चल जाता था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब में अंडरलाइन रहता था, उसी से रिवीजन हो जाता था। डीप रिवीजन नहीं चाहिए आपको, रिवीजन बेसिकली साइकोलॉजिकल बूस्ट के लिए चाहिए। आप कुछ भी नहीं भूलते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप सब कुछ भूल गए, ये साइकोलॉजिकल है, सब कुछ आपके सबकॉन्सियस माइंड में रखा हुआ होता है, बट साइकोलॉजिकली हम लोग इतना डाउन हो जाते हैं कि वो सबकॉन्सियस माइंड बाहर नहीं आ पाता है, क्लियर। अपने आप को साइकोलॉजिकली बूस्ट करने के लिए 15 दिन में सब सब्जेक्ट को एक बार टच कर लीजिए। नहीं बिलीव होता है ना, तो हर बुक को एक बार हाथ से टच करके भी देखिए कि हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, तब भी आपको बेनिफिट फील होगा। साइकोलॉजिकली अपने आप को बूस्ट कीजिए कि नहीं, हम सब चीज़ देख रहे हैं, कुछ भी छूटा नहीं है मेरा, फिर देखिए आपको खुद फील होने लगेगा। अच्छा, RCC कब होगा प्लस पे? RCC 18th August से स्टार्ट हो रहा है, 9:15 to 11:15 RCC हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस कोर्स पे, क्लियर, ज्वाइन कीजिए, यू विल एंजॉय, मजा आएगा। RCC और 18th August से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड टारगेट इज अप टू 15th of October, 2 महीने में RCC हम कंप्लीट कर देंगे, 2-2 घंटे डेली पढ़ाएंगे, क्लियर, मंडे टू सैटरडे पढ़ाएंगे, संडे छुट्टी रहेगा, क्लियर, इन दिस वे वी विल प्रोसीड, और 2 महीने में होपफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर हम टाइमली स्टार्ट किए थे और जो टाइम दिए थे एग्जैक्टली उसी टाइम पे हम फिनिश कर दिए स्ट्रक्चर प्लस कोर्स पे, ठीक है। 30th June को स्टार्ट किए थे एंड उन लोगों को बोले थे कि 14th of August को कंप्लीट कर देंगे, क्लियर, चूंकि RCC मेरा 18th of August से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 17th August को स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं। So time is very important, I understand this, that's why I am completing my course within time frame, so that you can plan everything accordingly, ठीक है, तो आपके time का value है, so मेरा course का timing है, उसके बीच में हम complete कर देंगे, and you can plan further, ठीक है। 120 hours effective नहीं निकलेगा, effective में 100 hours निकलेगा, तो 100 hours लग जाएगा, संडे को छुट्टी भी तो रहेगा, और बीच में 2 महीने का कोर्स है, बीच में कभी डिस्टर्ब भी हो सकता है, कोई फेस्टिवल आ गया, चाहे कहीं तबीयत मेरा खराब हो गया, तो डिस्टर्बेंस होता है, 2 महीने में 2-3 क्लास तो डिस्टर्ब होगा ही, मान के चलिए, ठीक है, तो इफेक्टिवली 100 hours से ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्लियर। रॉबिन्स, सर कन्वेंशन क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, क्या करें इसके लिए, कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। देखिए ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है, इन सब का प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, और दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा है, आपको लगेगा प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, अगर अचीव नहीं हो रहा है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्लियर, सिंपल। तो प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू बिकम परफेक्ट। आप लोग महाभारत के बारे में सुने होंगे ना कि अर्जुन अंधेरे में भी तीर चलाता था, प्रैक्टिस करता था, क्लियर। सो प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इन सब चीज का, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब बात माइंड में बैठा लीजिए, अगर दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है,
क्लियर, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होते चले जाइएगा। या फिर छोटा छोटा चीज छूट जाता है ना, तो दूसरे को एक्सप्लेन कीजिए तो आपका माइंड भूलना बंद कर देगा, ये भी एक तरीका होता है। चीज़ों को दूसरे को सिखाइए तो आपका माइंड अपने आप सिस्टमेटिक हो जाएगा, तो आपसे गलती होना बंद हो जाएगा, ये सब भी वे है। ठीक है, सर टेक और नॉन टेक में प्रायोरिटी किसको अधिक दें? ऑब्वियस सी बात है कि टेक्निकल को प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी है, टेक्निकल ज्यादा कंटेंट है, नॉन टेक्निकल कम कंटेंट है, टेक्निकल को ज्यादा प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा, लेकिन नॉन टेक छोड़ दीजिएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। क्लियर, सो नॉन टेक भी पढ़ना पड़ता है। क्लियर, बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं, सोचते हैं कि सब लोग टेक्निकल पढ़ रहा है, हम नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। क्लियर, अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम जो आपका निकलेगा वो टेक्निकल के ही दम पे निकलेगा, नॉन टेक्निकल के दम पे एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है, तो नॉन टेक्निकल को भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, जैसे रिवीजन बोरिंग है ना, वैसे ही नॉन टेक्निकल भी इंजीनियर्स के लिए बोरिंग है, तो नॉन टेक्निकल के लिए जो है ना थोड़ा सा आवर्स रखिए, और बेहतर है कि नॉन टेक्निकल अगर नहीं पढ़ने में मन लगता है ना तो ग्रुप स्टडी कीजिए नॉन टेक्निकल का। ठीक है, नॉन टेक्निकल का एक ग्रुप बना लीजिए, 2 से 3 लोगों का ग्रुप, 3 लोगों का ग्रुप बेस्ट होता है रिवीजन के लिए, 5 लोग का ग्रुप बनाइएगा, गप ज़्यादा होगा, रिवीजन कम होगा, सो 3 लोग बेस्ट होता है, 3 लोग मिलके रिवीजन कीजिए। ठीक है, लास्ट 2 वीक्स में क्वेश्चन करें या रिवीजन, प्लीज सजेस्ट, वसीम। सो देखिए बहुत सिंपल है, लास्ट 2 वीक में जो है ना आप क्वेश्चन भी बेसिकली करते हैं तो वो रिवीजन ही, आप क्वेश्चन भी अगर कर रहे हैं तो वो रिवीजन ही है, लेकिन क्वेश्चन नया सोर्स से मत कीजिए, जो क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं पहले और उसमें जिसमें सर्कल लगा के रखे थे ना, बस वही सब क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कीजिए लास्ट 2 वीक में, नया क्वेश्चन मत ट्राई कीजिए, फ्रस्ट्रेशन आता है, नया क्वेश्चन लास्ट में नहीं ट्राई करना चाहिए, जो क्वेश्चंस बना लिए हैं ना बस वही सब क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन बनाने में ही बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है, और क्वेश्चन से रिवाइज करना इंटरेस्टिंग भी होता है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। क्लियर, दैट इज द वे। गेट और इंजिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर को शुभम कैसे सॉल्व करें चैप्टर वाइज? सो दैट इज वेरी सिंपल, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना ही पड़ेगा, आपका एक सब्जेक्ट एक टॉपिक जो हुआ है उसका गेट और ईयर दोनों का क्वेश्चन बना लीजिए, सिंपल, क्या दिक्कत है इसमें? अगर आप केवल गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का 100% और इंजीनियरिंग सर्विसेज का 70% भी बन जाता है अगर क्वेश्चन तो ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में 30% क्वेश्चन जो है ना वो गेट के सिलेबस में नहीं है, वैसा क्वेश्चन गेट में नहीं आता है, तो आप देखिए कि जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें 70% मेरा अगर बन गया है तो आपका रिवीजन हो गया, उससे ज्यादा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए फिर परेशान नहीं होना है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है और गेट में बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने का अगर मन है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सॉल्व कीजिए, लेकिन 100% सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फिर दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा, तो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए और 100 क्वेश्चन में अगर 70 क्वेश्चन बन गया देन यू आर सेटिस्फाइड, यू शुड सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? एसएससी जेई का प्रिपरेशन कैसे करें? ठीक है, देखिए एसएससी जेई वगैरह का जो है ना प्रिपरेशन बहुत प्लान्ड वे में नहीं होता है। ठीक है, उसका रीजन है, बता रहे क्यों नहीं प्लान्ड वे में होता है, उसका लोग बस तैयारी करते रहते हैं, जिसका होना होता है हो जाता है, जिसका नहीं होना होता है नहीं होता है। क्लियर, प्लान्ड वे में नहीं हो पाता है, द रीजन इज क्वेश्चंस गलत पूछता है, एग्जाम का टाइम चेंज कर देता है, आज एग्जाम हुआ कब रिजल्ट आएगा, कुछ क्या होगा कुछ नहीं पता, क्या प्लानिंग कीजिए। ठीक है, सो एसएससी जेई के लिए सिंपल है, कोई भी गुप्ता एंड गुप्ता टाइप का बुक पढ़ लीजिए, गुप्ता एंड गुप्ता टाइप का कोई भी ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन वाला बुक इधर से उधर तक बना लीजिए। क्लियर, उसी समय से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे देता है,
क्लियर टिक कर लीजिए। लगभग वैसा ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि ये बुक पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बुक पढ़िए तो कम क्वेश्चन। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है उठा के बना लीजिए, ठीक है, आपको सफिशियंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सफिशियंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए। कन्वेंशनल के लिए क्या कीजिएगा, सो इस जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका तो कन्वेंशनल बनाना ही पड़ेगा, उसका कन्वेंशन बनाना पड़ेगा पहला। सेकंड क्या कीजिए, टीचर का क्लास नोट्स का सारा कन्वेंशनल बना लीजिए। टीचर का क्लास नोट्स में जो कन्वेंशनल होता है वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट कन्वेंशन होता है, उसी को हम लोग सेलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसको सेलेक्ट कीजिए और अच्छे से डिलीवर कीजिए। इज इट क्लियर। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज का क्वेश्चन उठा के बना लीजिए प्रीवियस ईयर। लेकिन उसमें यही दिक्कत होगा कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है कौन सा नहीं बनाना है, क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा रहता है। तो बेटर है कि एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, आपके टीचर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इधर उधर थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज वगैरह का अगर करना है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। इतना में ही निकल जाता है एसएससी जेई का एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन गलत आता है, डेटा कम रहता है, तो उन सबका यूनिक आंसर होता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना प्लानिंग हो ही नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि एसएससी जेई जो निकाल लिए हैं क्लियर वो बहुत प्लान्ड वे में निकाले, ऐसा नहीं है। निकलने के बाद लोग कुछ भी बोले दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऐसा नहीं कि बहुत प्लानिंग से वो एसएससी जेई का एग्जाम निकाले। एसएससी जेई का एग्जाम के लिए इतना प्लानिंग का जरूरत ही नहीं, क्लियर। प्लानिंग उस एग्जाम का होता है जो कि शेड्यूल्ड होता है, जिसका कि टाइमिंग होता है, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसका एक लेवल होता है, क्वेश्चन में करेक्टनेस होता है, उस एग्जाम का प्लानिंग होता है। जो एग्जाम गलत क्वेश्चन बुक में है तो वही गलत क्वेश्चन उठा के दे देता है और उसका गलत सॉल्यूशन पे कॉपी चेक हो जाता है, उस एग्जाम का आप क्या प्लानिंग कीजिएगा, समझ में आया। लेकिन सिस्टम ही यही है, इसी में आपको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालना है तो आप ये इतना कर लीजिए। ये सब नहीं कीजिएगा कि नहीं ये को बुक पढ़ लेंगे तो मेरा एसएससी जेई निकल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस बार इस बुक से कॉपी करके क्वेश्चन दिया एग्जाम में, अगली बार दूसरे बुक से कॉपी करके क्वेश्चन देगा एग्जाम में। वो लोग कॉपी करने का सोर्स हर साल चेंज करता रहता है, इस तरीके से होता है। ओ माय गॉड। सब्जेक्ट वाइज बुक रेकमेंड कीजिए, ठीक है। सिंस आई एम टीचिंग ओनली फोर सब्जेक्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, यही चार सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, तो इसी चार सब्जेक्ट का हम एक एक बेस्ट बुक रेकमेंड किए हुए हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पिन मैसेज में डाला हुआ है कि कौन सा बुक बेस्ट है इन चारों का, उसका मैंने एक पूरा पीपीटी बना दिया है और उसको सर्कुलेट कर दिया है, क्लियर। टेलीग्राम ग्रुप से वो ले लीजिए, मेरे किसी से भी मांगिएगा, उसमें पिन मैसेज में डाला हुआ है, वो चारों बुक ही बेस्ट बुक है, उसके अलावा हम कोई बुक रिकमेंड नहीं करते। स्टूडेंट एज में आप एक सब्जेक्ट का एक बुक से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट दो दो बुक भी फॉलो कर लेते हैं, बट नॉर्मल स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का एक बुक से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं। प्लस पे आरसीसी कब स्टार्ट होगा, अनिरुद्ध साह, सो दैट इज फ्रॉम 18th August। एनआईटी कुरुक्षेत्र कैसा है, हर कॉलेज अच्छा होता है, ठीक है, जिसका जिस कॉलेज से लाइफ बन जाए वो कॉलेज अच्छा है, क्लियर। ऐसा नहीं है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ये आईआईटी एक रैंक पे है और ये आईआईटी तीन रैंक पे है तो आईआईटी एक रैंक वाला अच्छा है, आईआईटी तीन रैंक वाला खराब है, ऐसा नहीं होता, समझ में आया। ऐसे रैंकिंग नहीं होता है, कोई कॉलेज एक नंबर पे या कोई कॉलेज 50 नंबर पे 50 नंबर पे तब उन दोनों कॉलेज में कंपैरिजन होता है, एक पे और तीन पे रहने पे कंपैरिजन नहीं होता है, क्लियर। सो एनआईटी है तो एक लेवल से अच्छा ही कॉलेज होगा, क्लियर। किसी भी कॉलेज के बारे में एब्सोल्यूट कुछ नहीं बोला जा सकता है ना, कॉलेज का रैंकिंग तो ऑलवेज कंपैरेटिव होता है। अब एनआईटी का आईआईटी से तो कंपैरिजन नहीं होगा, क्लियर। और एनआईटी कुरुक्षेत्र स्टैंडर्ड कॉलेज है, ठीक है, ना बहुत नीचे है ना बहुत ऊपर है, स्टैंडर्ड कॉलेज है।
सर वाई यू लेफ्ट सर्विसेज, मन नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया. समझ में आया? क्लियर? दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर. मन नहीं लगा हमको, हमको नहीं मजा आया, हमको लगा कि जॉब इज नॉट फॉर मी. ठीक है, सो दैट्स आई डिसाइडेड टू ड्रॉप. ठीक है, लगा कि इससे ज़्यादा भी हम कुछ कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम डिसाइड किए कि जॉब नहीं करना है, मज़ा नहीं आएगा. वो लाइफ हमको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था जॉब करना. आई थॉट कि इससे अलग भी हम कुछ कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट जॉब. निखिल, मेरा मन था कि हम कंटिन्यू करें बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स आई एम वेरी सॉरी कि हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं. ठीक है, मेरा मन था कि कंटिन्यू करें, बहुत कंस्ट्रेंट आ रहा है. क्लियर? इतने कंस्ट्रेंट के साथ नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, इतना लंबा ड्यूरेशन 5-6 महीने तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ड्रॉप किए हैं. ठीक है, अब अभी मेंस का क्लास आ गया. ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके कारण अभी यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास पे दोनों जगह ब्रेक होगा. क्लियर? तो इतना सारा अगर बीच बीच में डिस्टर्बेंस आता रहेगा ना, तो नहीं सिलेबस कर पाइएगा, इसलिए इसको ड्रॉप करना पड़ा था. अंशु वर्मा, सर ईएससी 2022 की डेट कब तक आएगी? जब तक डेट नहीं आएगी तब तक आप तैयारी स्टार्ट नहीं कीजिएगा क्या? और डेट आ जाएगी तो क्या आप 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा क्या? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? डेट आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, इजंट इट? डेट आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, इसमें इतना परेशान किस बात के लिए हो? डेट सबके लिए एक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि आपके लिए पहले डेट हो जाएगा, किसी दूसरे के लिए दूसरा हो जाएगा, इजंट इट? ऐसा नहीं है ना, तो इन सब चीजों के लिए परेशान नहीं होना है कि डेट कब आएगी. डेट आएगी सबको पता चल जाएगा. क्लियर? और हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमको भी पता होगा, किसी को नहीं पता होगा. क्लियर? यूपीएससी वाले को भी नहीं पता है कि उस डेट पर एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इजंट इट? तो ये सब चीजों के लिए नहीं परेशान होइए, आप अपनी चीजों के लिए परेशान होइए कि आपको पढ़ाई करनी है. नहीं पढ़े रहिएगा तो डेट आ भी जाएगा तो क्या एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना. क्लियर? सर क्या एमटेक के बाद भी प्लेसमेंट बेटर नहीं होते हैं क्या? देखिए सिंपल सी बात है, आइडियली हायर डिग्री का मतलब होता है बेटर जॉब. आइडियली हायर डिग्री का मतलब होता है बेटर जॉब, लेकिन इंडिया में हायर डिग्री का उतना वैल्यू नहीं है जितना होना चाहिए. इंडिया में हायर डिग्री को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते. ठीक है, लेकिन आइडियली हायर डिग्री है, इट मींस कि यू शुड हैव बेटर जॉब. ठीक है, तो फिर एमटेक कोई क्यों करे? तो ट्रू सेंस में हम बता रहे हैं, एमटेक इज मोर अबाउट वैल्यू एडिशन देन इंक्रीजिंग योर पैकेज. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में एमटेक का कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपको बीटेक पे 5 लाख का जॉब मिल रहा है तो एमटेक पे आपको 10 लाख का जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इंडिया में, एकदम क्लियर ऐसा नहीं है. लेकिन आज से 5 साल के बाद आप एमटेक दोबारा नहीं कर सकते, अभी कर लीजिएगा, तभी बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो काम आएगा. ठीक है, सो हम किसी जमाने में एमटेक कर लिए थे तो आज मेरे पास एमटेक का डिग्री है. हम हर जगह प्राउडली बोलते हैं कि मेरे पास एमटेक का डिग्री है, आईआईटी दिल्ली से है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में. क्लियर? दिस इज वैल्यू एडिशन टू मी. क्लियर? और हम इसका खूब एडवांटेज लेते हैं. क्लियर? नॉलेज के टर्म्स में, अपने प्रोफाइल में, बायोडेटा में, हर जगह हम लिखते हैं. ठीक है, कि मेरा एमटेक है, आईआईटी दिल्ली से है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में. क्लियर? हमको बहुत बेनिफिट इसका मिला, लेकिन जिस समय जॉब कर रहे थे उससे मेरा कोई सैलरी नहीं बढ़ गया था, लेकिन वैल्यू एडिशन. क्लियर? तो एमटेक का डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है. और बाद में एमटेक डिग्री नहीं ले पाता है लोग, इतना लाइफ बिजी हो जाता है ना कि एमटेक डिग्री आप नहीं ले पाइएगा. सो इट्स बेटर कि ले लीजिए अभी नहीं, अगर ले सकते हैं तो. और कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर वगैरह में एमटेक डिग्री लीजिए, और हमेशा बेटर कॉलेज से एमटेक करने का कोशिश कीजिए, सो दैट कि आप एक दूसरे एनवायरनमेंट में जा सकिए. जैसे मेरा एनआईटी से बीटेक था, और एमटेक में
आईआईटी में गए तो एक दूसरे रेंज में गए। अब एनआईटी से बीटेक करके एनआईटी से ही एमटेक कीजिएगा तो कोई बहुत एडवांटेज आपको फील नहीं होगा, लेकिन एनआईटी से आईआईटी में जाइएगा या प्राइवेट कॉलेज से आईआईटी में जाइएगा तो आपको अच्छा फील होगा कि अच्छा आईआईटी ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। क्लियर, दिस इज द डिफरेंस। हम आपको बता रहे हैं आईआईटी जो है ना नॉर्मल कॉलेज से 10 साल आगे चलता है, 10 साल आगे। हम आपको बता रहे हैं इंडिया में रैप सॉन्ग, रैप जो होता है सॉन्ग में, ये यो हनी सिंह वगैरह का रैप जो आता है, ठीक है, ये इंडिया में जब पॉपुलर हुआ, ठीक है, हम 2008 में एंटर किए थे आईआईटी दिल्ली में, वहां के बच्चे उस समय रैप सॉन्ग सुनते थे और वहां के कल्चरल फेस्ट में रैप सॉन्ग यूज करते थे, और उस समय हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था, हम लोग नॉर्मल कॉलेज से आए थे तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता था ये लोग क्या करता रहता है। क्लियर, लेकिन कुछ साल के बाद देखे कि पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया रैप, तो वो लोग आगे चलते हैं, ठीक है, वो लोग हमेशा आगे चलते हैं, वो लोग फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस, तो अच्छे कॉलेज में पढ़िएगा ना तो ये सब फायदा होगा, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए देखिए, डिप्लोमा वाले को दिक्कत तो होती है, दैट आई एक्सेप्ट कि डिप्लोमा वाले को दिक्कत होती है। क्लियर, उन लोगों का बैकग्राउंड के कारण उन लोगों को इश्यूज आता है चीज़ें समझने में, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स में उन लोगों को टेक्निकल चीज रटा दिया जाता है जिसके कारण उनका माइंड सोचना ही बंद कर देता है, ठीक है, हर चीज का गलत इंटरप्रिटेशन उनके माइंड में बैठा हुआ है। जनरली डिप्लोमा वाले के साथ ये इश्यू होती है। क्लियर, होती है या नहीं बताइए, होती है या नहीं। होती है या नहीं सो डिप्लोमा वाले के साथ ये इश्यू होता है, इजंट इट, सो डिप्लोमा वाले के साथ ये इश्यू होता है, लेकिन होता है तो होता है, आपको तो इससे बाहर निकलना है ना। तो अगर प्रॉब्लम है, अच्छे अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन कीजिए, अच्छे अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन कीजिए जो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बताते हैं, ट्रिक नहीं बताते, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, जिससे पढ़ के आपको सब्जेक्ट का फीलिंग आता है, उन सब टीचर को पकड़िए और उनसे पढ़िए, तो आपका ये जो बैकग्राउंड का असर है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर आप ट्रिक के पीछे भागते रहिएगा तो आप जैसे थे वैसे ही रहिएगा, पहले दो ट्रिक जानते थे अब चार ट्रिक जान जाइएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर, तो अगर आप उससे निकलना चाहते हैं ना तो वैसे टीचर्स के पास जाइए जिनसे पढ़ के आपको चीजें विजुअलाइज होती है, तो आपका ये प्रॉब्लम सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपका डिप्लोमा का जो इफेक्ट है ना वो सब ऑटोमेटिकली धीरे 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 खत्म हो जाता है। सर क्या आईआईटी से बीटेक वेस्ट है, जेई एडवांस निकालना बेकार हो गया फिर, ये कौन बोल दिया आपको कि आईआईटी से बीटेक वेस्ट है? आईआईटी से बीटेक वेस्ट कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता आईआईटी से बीटेक वेस्ट। आप आईआईटी से हैं, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, और आपको लग रहा है कि आपका डिग्री वेस्ट है, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका डिग्री वेस्ट है। वाटर रिसोर्सेस कैसा है सर? देखिए इंडिया में वाटर रिसोर्स का रियल मायने में वैल्यू ना के बराबर, ना के बराबर वाटर रिसोर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। सो वाटर रिसोर्स का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इससे करके आप बहुत हो सकता है तो फैकल्टी लाइन में ही आप रह सकते हैं, इसका इंडस्ट्रियल वैल्यू नहीं है। फैकल्टी लाइन में वैल्यू है, टीचिंग में आप रह सकते हैं, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च करने लगी है तो आपका वैल्यू हो सकता है। देखिए वैल्यू तो कोई कहीं से भी क्रिएट कर सकता है, दुनिया को लगता था कि क्रिकेटर ही केवल फेमस होते हैं, लेकिन जैवलिन थ्रो फेंकने वाला भी ओलंपिक ला के फेमस हो गया था, ठीक है। तो यूनिक तो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपका दूसरे सब्जेक्ट में, वाटर रिसोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज कम है, उतना काम ही नहीं है वहाँ पे। क्लियर, विच ब्रांच इज बेस्ट फॉर एम टेक? दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, that is always।
अगर अब्रॉड से कोई डिग्री आप ले सकते हैं देन दैट विल बी बेटर, ठीक है, इस सेंस में नहीं कि आप विदेश चले गए, इस सेंस में आपको वहां एक्सपोजर अलग मिलता है, आप दूसरे कल्चर में रहते हैं ना, तो आपको चीजें कंपेयर करने में बनती है कि अच्छा इंडिया में ऐसा चलता था, यहां ऐसा चलता है, तो आपका माइंड बहुत ओपन होता है, और ओपन होता है दैट इज अ ग्रेट लर्निंग, ठीक है। तो अगर चांस मिलता है अब्रॉड जाने का तो जरूर ली जाइए, डिग्री लेने के लिए जरूर जाइए, कोई खराबी नहीं है इसमें, ठीक है, ये सब मेंटल ब्लॉकेज हटा दीजिए, कोई खराबी नहीं है। अगर खराबी होता तो अब तक गवर्नमेंट इसको रोक दी होती, लेकिन नहीं रोकती है, उसका रीजन है, ठीक है। तो इसलिए आराम से अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, जाइए सीखिए अच्छे से, इंडियंस को भी हेल्प कीजिए, ह्यूमैनिटी को भी हेल्प कीजिए और ग्रो कीजिए, ठीक है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। देखिए सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी करना जो है ना बहुत चैलेंजिंग होता है। सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं होइएगा तब तक आपसे सेल्फ स्टडी नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम से उठना, टाइम से पढ़ने बैठना, टाइम से सब कुछ एंटरटेनमेंट करना, सब कुछ टाइमली करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको अच्छे टीचर्स का गाइडेंस, मतलब ठीक है आप उनसे पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन गाइडेंस वगैरह, जैसे यूट्यूब पे आजकल तो गाइडेंस तो कम से कम मिल जाता है ना, और अच्छे कंटेंट्स आपके पास होना चाहिए, स्टडी मटेरियल। तो जितना अच्छा बुक होगा आप उतना सही रास्ते पे चलिएगा, गंदा बुक उठा के सेल्फ स्टडी कीजिएगा सेल्फ स्टडी बेकार, ठीक है। वैसा बुक जिसमें गलत कॉन्सेप्ट है, वैसा बुक जिसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ है, समझाया हुआ नहीं है, और वो सब पढ़ के लेके आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पागल हो जाइएगा। क्लियर, अच्छी बुक उठाइए, अच्छी बुक जिसमें चीजें एक्सप्लेन्ड हो अच्छे से, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। रामामूथम कैसी बुक है सर? आई नेवर एडवाइज इट, सिंपली हम कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं ये बुक पढ़ने के लिए, हम हमेशा आरसी हिबलर सबको बोलते हैं पढ़ने, आरसी हिबलर विद एसआई यूनिट, उसका एक नॉर्मल बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, बट आपको कौन सा लेना है एसआई यूनिट वाला, उसका एसआई यूनिट का एडिशन भी अवेलेबल है, आरसी हिबलर से पढ़िए, स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। घोषा आनंद, स्ट्रक्चरल डिजाइनर अगर बनना है ना तो चार सब्जेक्ट को एकदम अपना बेस बना लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर, चार बुक पढ़िए, और कोई भी दो सॉफ्टवेयर सीख लीजिए कॉलेज में, एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर स्टैट सीख लीजिए, या ई टैप सीख लीजिए, या सैप सीख लीजिए, ये तीन में से कोई, और कोई ड्राइंग सॉफ्टवेयर, तो ड्राइंग सॉफ्टवेयर ऑटो कैड सीख लीजिए या रेविट 3D वगैरह का सीख लीजिए, कोई भी एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर, और थोड़ा बहुत एनालिसिस पे, ये एक्सेल पे कैलकुलेशन वगैरह सीख लीजिए, यू विल बी परफेक्ट डिजाइनर, डिजाइनर होने का बस यही सब क्राइटेरिया है। माय गॉड, इतना सबका आ रहा है ना मैसेज, कुछ कुछ बच्चे तो एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। IIT से PhD के लिए आपके सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी? नहीं, के लिए कितने स्कोर चाहिए, स्कोर कितना चाहिए ये तो देख लीजिए ना, सारा डेटा तो अवेलेबल रहता है, किस IIT में कितना स्कोर है, अभी इतना हम लोगों को याद तो नहीं रहता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसमें इतना स्कोर चाहिए। और एग्जाम देने से पहले तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि जितना बेस्ट स्कोर ला सके, सो दैट कि थिंग्स विल बी इन योर हैंड, आप डिसाइड कीजिए कि इस IIT में जाना है या उस IIT में जाना है, IIT वाला ना डिसाइड करे कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, इजंट इट। तो रैंक तो ऑलवेज जितना बेटर लाइए उतना अच्छा है, NIT जमशेदपुर अच्छा है। ठीक है, NIT जमशेदपुर अच्छा है। NPTEL कैसा है सर? NPTEL अच्छा है,
ठीक है, एनपीटेल अच्छा है, काफी अच्छा अच्छा कंटेंट वहां मिल जाता है, ठीक है, वहां पे अच्छे फैकल्टी को सेलेक्ट कर लीजिए और उनको फॉलो कीजिए, उससे काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है सर, आप कुछ मोटिवेशन बता दीजिए। सो मोटिवेशन, मोटिवेशन तो आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा ना। देखिए मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम आपको बताते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। एक्चुअली आपको सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करना पड़ेगा, किसी दूसरे के मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहना छोड़ दीजिए। कोई दूसरा मोटिवेट करे तब आप मोटिवेट होइए, ये छोड़ दीजिए। हर आदमी को कोई ना कोई चीज मोटिवेट करती है, ठीक है। हम अपने टाइम में जब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे ना, तो हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते थे और सॉल्व करना शुरू करते थे। किस सब्जेक्ट का? इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का। क्यों? बन जाता था, सब बन जाता था, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी उठाते थे, लाइन से बन जाता था, मोटिवेट हो जाते थे, अरे निकाल लेंगे इस बार एग्जाम, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड है और स्ट्रक्चर का डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के बनाना शुरू किया और फ्रस्ट्रेशन हो गया, मेरा तो एग्जाम होगा ही नहीं, हमको तो कुछ नॉलेज है ही नहीं, क्लियर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो सेल्फ मोटिवेशन डेवलप कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन का भी, जब भी डीमोटिवेट होइए वो इजीएस्ट काम कीजिए जिसमें गारंटी है कि आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा तो अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है तो फिर से आप एनर्जाइज हो जाइए और फिर डिफिकल्ट काम करने लगेगा। दिस इज द वे ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। गुप्ता एंड गुप्ता बुक से इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन नहीं निकलते, नॉर्मल क्वेश्चन निकलते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जिसको इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम का तैयारी करना है उनसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का बनेगा ना। गुप्ता एंड गुप्ता तो एसएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है, तो एसएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, ठीक है, जितना बन जा रहा है ठीक है। 70 देखिए कोई भी बुक 100% नहीं होता है, आप गुप्ता एंड गुप्ता का 100% बना लीजिएगा तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकल जाएगा, तो 70-80% भी अगर गुप्ता एंड गुप्ता आपको याद हो जा रहा है, बन जा रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ईएससी मेंस के लिए आप कब आ रहे हैं नेक्स्ट? आज कौन सा दिन हो गया, आज वेंसडे है ना, फ्राइडे को पहला क्लास होगा मेरा मेंस का स्ट्रक्चर एनालिसिस का, फ्राइडे को मेंस का स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला क्लास होगा नेक्स्ट, ये कमिंग फ्राइडे को। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? देखिए शॉर्ट नोट सिंपल है, जो चीज भूलते हैं वो चीज लिखते जाइए, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बनाइए तो थोड़ा थोड़ा खाली जगह छोड़ दीजिए कि बाद में कुछ लगे कि ये चीज हम भूल जाते हैं तो उसको भी उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, सिंपल है ना, नोट्स उठाइए, शॉर्ट नोट्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं रहेगा तो ऐसे ही आपका नोट्स पतला हो गया, उसमें से वो ऐसा चीज जो आप कभी नहीं भूलते हैं उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए कि बाद में कुछ याद आए कि नहीं ये भी चीज ऐड करना है तो उसको ऐड कर लीजिए, ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना के देखिए, दूसरे सब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि कैसे बन रहा है। नॉन टेक अमित कुमार गुप्ता कैसे पढ़े? ठीक है, देखिए नॉन टेक पढ़ने के लिए जो है ना ग्रुप स्टडी कीजिए, नॉन टेक याद हो जाता है, नहीं तो अब खुद से पढ़ने में नॉन टेक बड़ा डिफिकल्ट है, तो 2-3 लोगों का ग्रुप स्टडी करिए और फिक्स कर लीजिए कि डेली 1 घंटे या 2 घंटे नॉन टेक पढ़ेंगे और ऐसे करके आप पढ़ते चले जाइए। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन टेक एक दूसरे से पूछिएगा ना तो याद होगा और माइंड में रहेगा, क्लियर। ऐसे खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, नॉन टेक तो बड़ा मुश्किल है नॉन टेक करना। पीएचडी आईआईटी से कोई एडवांटेज है सर? यस है, पीएचडी करके आप एकेडमिक्स में तो आ ही सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं, रिसर्च में भी, और बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में, नॉर्मल कंपनीज में नहीं, बड़े बड़े कंपनीज में कुछ पोस्ट वगैरह पे जो है ना पीएचडी लोगों का ही रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे पीएचडी वाले लोगों को ही रखते हैं वो लोग, नॉर्मल लोगों को रखते ही नहीं, ठीक है,
नॉर्मल लोगों को वो सब पोस्ट दिया ही नहीं जाता, उन्हीं लोगों को इतना नॉलेज होता है कि चीजों को लोग समझ सके, नॉर्मल लोग तो बस नॉर्मल काम कर पाते हैं। आरसीसी कहां से पढ़े? आरसीसी के लिए पिल्लई एंड मेनन की थर्ड एडिशन बुक, दैट इज द बेस्ट बुक, ठीक है, आरसीसी पढ़ने के लिए, ठीक है। चार सब्जेक्ट सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस आरसीसी एंड स्टील, सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस आरसीसी एंड स्टील, ये चारों सब्जेक्ट के लिए बुक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए कि कौन सा बुक किस के लिए खरीदना है, एंड दैट इज द बेस्ट बुक, उससे अच्छा बुक नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, सो अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे को हम कन्वेंशनल स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, साथ में स्टेट सर्विसेज वाले ये लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ उसमें पढ़ा देंगे हम कन्वेंशनल का, सो आराम से उससे स्टेट सर्विसेज का भी सारा कुछ कवर हो जाएगा, स्टेट सर्विसेज एसएससी का। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्राइडे से हम आ रहे हैं यूट्यूब पे इसी टाइम में, ठीक है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।